अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये ख्वाजा गरीब नवाज का रोज़े मुबारक है अजमेर शरीफ। यानी अभी जो है इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से 12 जुलाई 2024 यानी 12 जुलाई 2024 और रात के 12:25 कुछ हो रहे हैं। और यहाँ पर जो है अभी थोड़ी देर पहले बारिश हो रही है, बहुत गर्मी थी तो अभी बारिश भी हो रही है यहाँ पे। और यहाँ पर जो है देख है, यहाँ पर एक बड़ी देख और एक छोटी देख है। माशाल्लाह ये बहुत ही मुबारक मंज़र है यहाँ पे। और वो जो वहाँ पर जो दिख रही है वो छोटी देख है। माशाल्लाह बहुत दिनों के बाद बड़ा खुशनुमा मौसम हो गया है। अभी गरीब नवाज के दरबार में ये प्यारे प्यारे बच्चे जो हैं भीग रहे हैं माशाल्लाह। अल्लाह से दना मोहम्मद अली से दना मुझे बारिक वसलम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे हिंदुस्तानी भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों और मेरी प्यारी माँ बहनों। आप देख रहे हैं दिल की आवाज़, और दिल की आवाज़ के साथ मैं हूँ सैयद वहीदुज़्ज़मा हाशमी। दोस्तों मैं इस ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में हूँ जो दरबार आला है। और यहाँ पर खुशी की बात यह है कि मेरे साथ सैयद शुजाउल करीम चिश्ती साहेब बैठे हुए हैं, जो सज्जादे नशीन हैं, गद्दी नशीन हैं। माशाल्लाह इस ख्वाजा गरीब नवाज की दरबार में यहाँ पर जो है एक छोटी एक बड़ी देख है, तो वहाँ पर एक छोटी देख है। तो बस ये जो दो देख में जो यहाँ पर लंगर जो पकता है, तो उसके बारे में हमारे सैयद शुजाउल करीम साहब से उनकी दिल की आवाज़ लेना चाहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बार बार गरीब नवाज सरकार के रोज़े मुबारक पर यहाँ पर बहुत सारे वीडियोज़ आप देख रहे हैं। चलिए पूछते हैं हमारे सैयद शुजाउल करीम साहब से इनकी दिल की आवाज़ क्या कहती है गरीब नवाज की मोहब्बत में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। तो क्या कहेंगे सैयद शुजाउल करीम साहब गरीब नवाज की मोहब्बत में, और ये जो बड़ी देख और छोटी देख है उसके लिए? अस्सलाम वालेकुम भाई। ये बड़ी देख जो है जहांगीर बादशाह के टाइम की बनाई हुई है, और उधर आप छोटी देख देख रहे हैं जो बन रही है, वो जो है अकबर बादशाह के टाइम की है। अकबर बादशाह की औलाद नहीं थी, या मन्नत करी थी उसने, तो उसकी मन्नत पूरी हुई तो यहाँ देख पेश करी उसने छोटी सबसे पहले। फिर उसके बाद में जो है बड़ी जहांगीर बादशाह का टाइम आया, उसका दौर आया, तो उस दौर में ये बड़ी देख पेश हुई। और जैसे कि अभी टाइम मुहर्रम शरीफ का है, तो बाबा फरीद बिन शकर रहमतुल्लाह अलैह का चिल्ला जो है आज सुबह फजर में खुल गया है, जो अगले 7 तारीख तक खुला रहता है। हर साल मुहर्रम में खुलता है। जो लोग भी मुहर्रम में आते हैं तो वो नीचे की तरफ जाते हैं, बाबा फरीद बिन शकर रहमतुल्लाह अलैह का वो चिल्ला है। और उसके आगे हुजूर गरीब नवाज हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती सुमुल अजमेरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दरबार है। तो वो दरबार जो है ऊपर ये है, वहीं हाज़िरी देते हैं लोग, वहाँ कदम बोसी करते हैं। और जो लोग नीचे है वो बाबा फरीद साहब का चिल्ला है, जिसपे ना लोग कहते हैं कि नीचे गए तो वहाँ वो हाज़िरी देते हैं। सरकार का कोई नीचे जगह नहीं है जहाँ वो हाज़िरी दें, वो बाबा फरीद साहब का चिल्ला है। तो वो ये मुहर्रम में खुलता है, तो आप लोग भी आएँ और हाज़िरी दें। ये भाई भी हाज़िर हुए हैं, आपके लिए भी दुआ करते हैं और इनके लिए भी दुआ करते हैं। यहाँ हमारा दुआ का काम है, गरीब नवाज में दुआ करेंगे सबके लिए। सरकार सबकी मुश्किलें आसान फरमाए, सेहत तंदुरुस्ती सलामती से नवाजे गरीब नवाज, और आप सब लोगों को बुलाएं इंशाल्लाह। सबका भला हो, सबका खैर हो गरीब नवाज। और गरीब नवाज की करामत के बारे में एक दो अल्फाज कहिए उनकी मोहब्बत में। गरीब नवाज सरकार का
रूहानियती मामला तो देखिए कोई समझ नहीं सकता है, उसकी नहीं आँखों की नज़रें चाहिए, वैसी इंसानियत चाहिए। सबसे पहले वो उसमें इंसानियत होनी चाहिए तो वो जलवे से समझ सकता है। और ये करामत तो दिखाते ही रहते हैं। अभी कुछ एक महीने पहले एक लड़की थी, नाबीना थी वो, माशाल्लाह गरीब नवाज के फजलो करम से उसको जो है आँखें मिली और उसने आके अपनी मन्नत अदा करी यहाँ पर। मैं ये करामत है जो आज भी 900 साल हो गए हैं सरकार में और करामतें दिख रही हैं, तो करामतों में कोई कमी नहीं है। यहाँ विलायत बढ़ रही है, करामत क्या करेगा देख के आदमी। सुभानअल्लाह, माशाल्लाह। दोस्तों, हमारे सैयद शुजाउल करीम की दिल क्या वसनी। और ये जो देख हर दिन ये लंगर बढ़ता है ना साहब? जी हाँ, ये लंगर बनाया जाता है, जिसकी मन्नत पूरी होती है वो आके अपनी मन्नत अदा करता है, इसको बनाता है। ये बड़ी देग है, ये छोटी देग है, इसमें लाखों रुपए का खर्चा भी होता है, लाखों रुपए की देग भी बनती है, 10 लाख की भी बनती है देग, 1.5 लाख की भी बनती है देग। तो उसमें यह है कि जैसा डालोगे आप सामान वैसा बनता है। सरकार में जितनी सरकार कबूल करना चाहे वो उतना कर सकता है, क्योंकि इनकी मर्ज़ी के बगैर तो कोई कुछ कर नहीं सकता है। इनकी मर्ज़ी होगी तो वो खिदमत लेंगे, वरना तो दुनिया चली रही है और ये 900 साल से बांट ही रहे हैं और बांटते रहेंगे तक कयामत तक। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। दोस्तों, जैसा कि अभी भी आपने हमारे सैयद शुजाउल करीम साहब की दिल की आवाज़ सुनी, माशाल्लाह इन्होंने बड़े अच्छे अंदाज से अपनी दिल की आवाज़ पेश की। जैसा कि लंगर जो यहाँ पर बट रहा है, जो बड़ी देख जो जहांगीर बादशाह की बड़ी देख है, और छोटी देख जो है अकबर बादशाह की, इनकी जब मन्नतें पूरी हुई तो इन्होंने यहाँ पर देख चढ़ाया है। वो देख आज भी यहाँ पर लोग लंगर इसी देख में जो लाखों के हज़ारों के लाखों के रुपए यहाँ पर पड़ते हैं, तो लंगर रोज़ यहाँ पर बढ़ता है माशाल्लाह। जैसा कि नस्बत गरीब नवाज से जुड़ता है रिश्ता गौस आज़म का, नस्बत गरीब नवाज से जुड़ता है रिश्ता गौस आज़म का, नस्बत गौस आज़म से जुड़ता है रिश्ता मौला अली मौला कायनात का, नस्बत मौला अली से जुड़ता है रिश्ता अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का। ढूंढा खुदा को ढूंढने वालों ने हर जगह, नस्बत पंजतन पाक से, नस्बत गौस ख्वाजा से, नस्बत मौला हुसैन से, नस्बत मौला हसन से, नस्बत गरीब नवाज से मिलता है पता खुदा का। तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हमारे सैयद शुजाउल करीम साहब को खुश आबाद रखे, सलामत रखे, लंबी उम्र के साथ रखे। और इस मुहर्रम के महीने में जो आज चार खाने चार तारीख है मुहर्रम के, यहाँ पर एक मुबारक मंजर यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है गरीब नवाज में। जैसा कि ये गरीब नवाज का जो दर है, ये गरीबों का मदीना है। बहुत सारे जो गरीब लोग जो हैं मदीने को जाना चाहते हैं, आका के रोज़े मुबारक पर जाना चाहते हैं, वो जा नहीं सकते हैं। अगर वो गरीब नवाज के दर पर आ जाएं तो ये गरीबों का मदीना है। जैसा कि गरीबों की फरिया सुन लो खुदारा, कहें या मोहम्मद गम का फसाना, गरीबी के बंधन से मजबूर हैं हम, मदीने से आका बहुत दूर हैं हम, पड़िए गरीबी की पाँव में बेड़ी, मदीने गरीबों का कैसे हो आना, आना आता है रसूल के दर पर, जहाँ गरीबों का मदीना जो बहुत नज़दीक है तुम्हारा भी यहाँ पर आना। तो यहाँ पर एक गरीबों का मदीना है, तो अल्लाह पाक सब लोगों को ऊपर यहाँ पर गरीब नवाज की चौकट पर आने की हिदायत दे, तौफीक दे। जो लोग यहाँ मदीने को जाना चाहते हैं यहाँ पर आके अपनी हाजिरी दे, यहाँ से अप्रूवल कराएं, यहाँ से अप्रूवल आता है रसूल के दरबार में, अप्रूवल लेकर यहाँ से मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक पर जाएँ। यही मेरे दिल की आवाज़, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी अच्छे इंसान की दिल की आवाज़ के साथ। खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम, जय हिंद, जय कर्नाटका, या गरीब नवाज सरकार। ये जो मैंने लास्ट टाइम का जो वीडियो है, ये फिर से शाम में फिर से ये लोग यहाँ पर मन्नतें डालना शुरू कर दिए हैं। जो पहले जो देखने जो बहुत सारा पैसा और चावल पड़े होते उसको उठा दिया गया, ये सेकेंड है, ये आज ही के दिन की। ये देख जो पक रही है माशाल्लाह, छोटी देख है जो इसमें बन रहा है सरकार। वही
आपके गुलामों की इज्जत करने वाले गरीब नवाज इनकी इज्जत बनाए रखो अमीन सुमा अमीन सेहत तंदुरुस्त अता फरमाओ इनकी वालदा की सेहत तंदुरुस्त अता सुमा अमीन ये आपके नाम से आपके गुलामों की इज्जत करते हैं इनकी इज्जत को बनाए रखना गरीब नवाज सुमा अमीन फकीर दावे बोला उफ्ताना कश्ती रही पानो चिकारा को कश्ती बाग के खा जाए उस्मान हारूनी मदद कुल या मोइनुद्दीन चिश्ती मदद कुल या मोइनुद्दीन चिश्ती मदद कुल या मोइनुद्दीन माशाल्लाह माशाल्लाह सरकार ने इसीलिए तो कहा था तो आप काफी क्या पहले तमाशा